गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नाभिक पाठ के अंतर्गत नाभिकीय बल की बात करेंगे। जैसे हमें पता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण स्थित होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण स्थित होते हैं और इनकी कुल संख्या को हम द्रव्यमान संख्या से प्रदर्शित करते हैं। इनकी कुल संख्या को हम द्रव्यमान संख्या से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हमें पता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। अब प्रश्न इस बात का, जैसे मान लीजिए आप कल्पना करें, ये परमाणु का नाभिक है। यहाँ पर जो है ये परमाणु का नाभिक है, जिसके अंदर धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। जैसा कि पिछले पाठ में हमने बताया, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। अब प्रश्न इस बात का कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को छोड़कर सभी नाभिक में एक से अधिक प्रोटॉन स्थित होते हैं। सभी नाभिकों में एक से अधिक प्रोटॉन स्थित होते हैं। इस स्थिति में प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण नाभिक का अस्तित्व तो नहीं रहना चाहिए। मतलब कि अगर एक से अधिक प्रोटॉन है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस प्रतिकर्षण बल के कारण प्रोटॉन को नाभिक से बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ऐसा कभी होता नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण प्रोटॉन उस नाभिक से बाहर आ जाए। प्रोटॉन जो है उस नाभिक से बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इससे यह साबित होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य जो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उससे अधिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है और इसी आकर्षण बल को हम नाभिक कहते हैं। कहने का अर्थ है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है या प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, इसी आकर्षण बल के कारण नाभिक का अस्तित्व होता है और इसी आकर्षण बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। कहने का अर्थ है, जो नाभिकीय बल है वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला प्रबल आकर्षण बल है और इसी नाभिकीय बल के कारण नाभिक का अस्तित्व रहता है। इस नाभिकीय बल के कारण ही नाभिक का अस्तित्व रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नाभिकीय बल है, इसका अस्तित्व कभी नाभिक के बाहर नहीं होता है। जो नाभिकीय बल है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, नाभिकीय बलों का अस्तित्व, जैसे नाभिक है, नाभिक के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और नाभिकीय बल व्युत्क्रम और अक के नियम का पालन करता है। तीसरी बात इससे महत्वपूर्ण है, जो नाभिकीय बल है लघु परास का प्रबल आकर्षण बल है। लघु परास का प्रबल आकर्षण बल है। जो नाभिकीय बल होता है यह लघु परास का प्रबल आकर्षण बल होता है, जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करता है और इसका जो एरिया है, मतलब जितने दूर में बल लगता है, वह जैसे मैंने बताया नाभिक के अंदर ही कार्य करता है और नाभिक का आकार लगभग 10^-15 मीटर कोटि का होता है। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटॉन का यहाँ द्रव्यमान होता है 1.67×10^-27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67×10^-27 किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1×10^-31 किलोग्राम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान या प्रोटॉन के द्रव्यमान या परमाणु के द्रव्यमान बहुत कम होते हैं, इसलिए इनके द्रव्यमान
द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक से प्रदर्शित करते हैं। इनका जो द्रव्यमान है इसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक से प्रदर्शित करते हैं और इसका शॉर्ट नेम है AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को हम यू से लिखेंगे, एक यू बराबर 1.66 × 10^-27 किलोग्राम। जो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है वह 1.66 × 10^-27 किलोग्राम के बराबर होता है। और यह एक परमाणु द्रव्यमान कार्बन परमाणु के द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। जो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है वह कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। और इस परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समान यदि हम ऊर्जा प्रदान प्राप्त करना चाहें तो उस स्थिति में पहले आप इसे देखेंगे, एक परमाणु द्रव्यमान 1.66 × 10^-27 किलोग्राम होता है। और अगर इसको हम ऊर्जा में रूपांतरित करना चाहें तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, यहां पर आप देखना आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। अब इस द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से जब हम करेंगे तो हमें पता है ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। फिर इस प्रकार से डेल्टा ई बराबर, यहां पर हम एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समान ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1.66 × 10^-27 और सी प्रकाश की चाल 3 × 10^8 का होल स्क्वायर। फिर डेल्टा ई बराबर 1.66 × 10^-27 का स्क्वायर 9 × 10^16 या डेल्टा ई बराबर 14.94 × 10^-11 जूल। जब इसे हम MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित करेंगे तो यह जाएगा, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देंगे, उस स्थिति में 931.5 × 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या डेल्टा ई बराबर 931.5 MeV। कहने का अर्थ है एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक में 931.5 MeV ऊर्जा होती है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक में 931.5 MeV ऊर्जा होती है। और इसी बात को अगर हम और व्यवहारिक रूप से समझना चाहें, यथार्थ रूप से, तो हम देखेंगे कि एक ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। यहाँ पर हम एक ग्राम द्रव्यमान में उत्पन्न ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक ग्राम मतलब किलोग्राम बनाएंगे 10^-3 किलोग्राम। फिर आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम का मान 1 × 10^-3 3 × 10^8 का होल स्क्वायर या डेल्टा ई बराबर 1 × 10^-3 9 × 10^16 या डेल्टा ई बराबर 9 × 10^13 जूल। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, एक ग्राम द्रव्यमान के समतुल्य अगर इसे हम ऊर्जा में परिवर्तित करें तो एक भरे तालाब के जल को उबालने के लिए पर्याप्त है। मतलब एक ग्राम द्रव्यमान को अगर हम ऊर्जा में परिवर्तित करें तो तालाब अगर पूरा पानी से भरा है तो उसको हम उस ऊर्जा से उबाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया एक ग्राम द्रव्यमान के समतुल्य उत्पन्न ऊर्जा 9 × 10^13 जूल होती है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक में 931.5 MeV ऊर्जा होती है और एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक
कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है।